Subscribe under 24/7 and press the bell icon. हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने करंट अफेयर शो में। तो जल्दी से एक बार सभी लोग कनेक्ट हो जाइएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं 15 अक्टूबर की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। और जैसा कि मैं आज बता दूं आप लोगों को कि आज का जो दिन है 15 अक्टूबर, वो वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो गाइस जल्दी से एक बार कनेक्ट होंगे और कनेक्ट होने से पहले जल्दी से लिंक को शेयर कर देंगे कॉपी करके जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। तो एक बार सभी बच्चों को प्यारी सी गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो एक बार जल्दी से सभी लोग कनेक्ट होंगे और शेयर करेंगे। उसके बाद जो आज की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, आज की जो कार्यवाही है, उसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो गाइज एक बार चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो कंप्यूटर जी एक बार स्क्रीन लगा दी जाए फटाफट से। तो देखिएगा कंप्यूटर जी ने स्क्रीन लगा दी और कंप्यूटर जी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं क्या कि डेली ये शो गाइज हमारा सुबह 7 बजे होता है। जो भी आज नए लोग कनेक्ट हुए हैं उनको मैं बता दूं, डेली ये शो हमारा जो होता है 7 बजे होता है। और आज हम डिस्कस करेंगे 15 अक्टूबर की मोस्ट इंपोर्टेंट खबर को, 15 अक्टूबर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को स्टैटिक अवेयरनेस के साथ में। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं एक बार फटाफट से। तब तक आप शेयर करिएगा, मैं मोटिवेशन कोट को पढ़ता हूं। वंस यू हैव रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स विद इन द पॉजिटिव वंस, यू विल स्टार्ट हैविंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि जब तक आप क्या कहते हैं नेगेटिव थॉट्स को दूर नहीं कर देते, तब तक पॉजिटिव रिजल्ट का आना मुश्किल है। तो गाइज हमें नेगेटिव चीज़ों को दूर रखना है और पॉजिटिव चीज़ों को पास में लाना है। तो एक बार सभी प्यारे बच्चों को फिर से मेरी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। दिनेश, ज्योति, अनिल, BS पाठक, बेदश्री, सभी लोगों को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। नेहा जी, क्राइम ब्रांच तिवारी जी, नीलम जी, सभी लोगों को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। राहुल, रामराज, आप सभी को भी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो गाइज आज करें बिल्कुल सेशन को स्टार्ट करते, एक बार जल्दी से फटाफट आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। आज का जो सेशन है गाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज न्यूज बहुत सारी है। आज जो न्यूज है वो बहुत सारी है, तो आज ऐसा लग रहा है कि कहीं टाइम ना कम पड़ जाए। तो जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि कोई हमसे वैल्यूएबल जो न्यूज है वो छूट ना जाए। बिल्कुल आगे चलते हैं फटाफट से। तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को पहले एमसीक्यू से। तो फर्स्ट एमसीक्यू गाइस क्या है, फ्रांस एनर्जी कंपनी टोटल हैज अनाउंस्ड टू बाय हाउ मच परसेंट स्टेक इन अडानी गैस। तो देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है कि फ्रांस की जो ऊर्जा कंपनी है जिसका नाम है टोटल, ने अडानी गैस में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। गाइस दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि टोटल जो एनर्जी कंपनी है वो कहाँ की है, फ्रांस की है। अब ये जो एग्रीमेंट था इनका लास्ट ईयर ही साइन हो गया था, मतलब अनाउंस हो गया था, लेकिन इसको फाइनल कब किया गया, अभी 2 दिन पहले इसको फाइनल किया है। तो वो ऑप्शन क्या है आपका, ए है, बी है, सी है या डी है। तो गाइस देखेंगे, ध्यान से समझेंगे क्या कि ये जो आपकी फ्रांस की ऊर्जा कंपनी है टोटल, इसने जो अडानी गैस में कितने परसेंट लिया, 37.40। बिल्कुल इनकम्प्लीट ड्रीम जी, थोड़ा सा लेट इस वजह से होता है, कई बार ना टेक्निकल इशू आ जाते हैं कि बीच में कोई दिक्कत ना आए आप लोगों को, कई बार नेट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो 10 चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं, ताकि कई बार होता है ना बीच में बफरिंग करती हैं चीज़ें, तो वो बीच में ना हो, तो इसलिए थोड़ा सा 5 मिनट हो जाता है स्टार्टिंग में, ताकि बीच में कोई इंटरप्शन ना हो। बिल्कुल, तो इसमें अगर बिल्कुल आपको, हाँ बिल्कुल स्पेशल करंट अफेयर भी प्रोवाइड कराया जाएगा, डोंट वरी, सारी चीज़ें करेंगे आप। एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं, इसी में मैं ऐड ऑन करूंगा सारी चीज़ों को। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। गाइज देखेंगे इसमें ना 2-3 चीज़ें मुझे आपको बतानी है, 2-3 चीज़ें इसके अंदर क्या है, आपकी जो फ्रांस की कंपनी है ना आपकी टोटल, इसने अपने पास भी इतना ही रखा है और अडानी गैस के पास भी इतना ही परसेंट है, बाकी जो रिमेनिंग बचा आपका आउट ऑफ 100 वो कुछ क्या कहते हैं अलग से इन्वेस्टर्स हैं, वो कई सारे इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में। तो अडानी गैस के पास भी 37.4 है और जो आपकी टोटल ये कंपनी है इसके पास भी इतना ही है, ध्यान रखेंगे। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन साहब है, ये बात आप लोगों को मैंने बताई हुई है पहले भी। तो जल्दी से एक बार करेंगे, शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे फटाफट से। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारा, एक बार देखेंगे, कंप्यूटर जी मुझे स्क्रीन से हटा दिया जाए। देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये,
ऑक्सफॉर्म एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हैज रिसेंटली पब्लिश्ड ए रिपोर्ट अबाउट द वायलेशन ऑफ लेबर राइट्स इन द टी गार्डन ऑफ इंडियन स्टेट। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑक्सफॉर्म। तो देखिएगा, जो जिस टी गार्डन की बात कर रहे हैं ना, ये आसाम की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो ऑक्सफॉर्म है, ने हाल ही में एक भारतीय राज्य के चाय बागानों में श्रम अधिकारी के उल्लंघन के बारे में, देखिएगा, जो आपके श्रम अधिकार हैं उसके उल्लंघन के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। ऑक्सफॉर्म का मुख्यालय कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिएगा, बेसिकली हुआ क्या कि जो आपका आसाम के टीम आपके गार्डन्स हैं, जो आसाम के चाय बाग हैं, उसमें बेसिक जो अगर मैं बोलूँ तो उनको जो एक लेबर मजदूरी के बदले लगभग 160 से 170 रुपये दिए जाते थे, जो कि क्या था, उनके श्रम अधिकारों का हनन हो रहा था। लेकिन अभी क्या किया है कि उसको बढ़ा करके 351 कर दिया गया है। ये भी ध्यान रखेंगे, अगर वो अमाउंट पूछी जाए तो 351 पर डे उसको कर दिया गया है। गाइस, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ऑक्सफॉर्म का, कुछ लोग होंगे जिन्होंने इसका ना पहली बार नाम सुना होगा, लेकिन कई बार ये एग्जाम में आ जाती है, करंट की न्यूज है, तो यहां पर देख लेते हैं कि पता नहीं कहां से आ गया क्वेश्चन। तो ऐसा कुछ नहीं है, करंट से ही सारी चीजें आती है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आपका जो आ जाएगा इसका हेडक्वार्टर गाइस नैरोबी में आ जाएगा। इस चीज को क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। कोई डाउट अगर किसी को होगा तो बता देंगे, चीजें समझ में आ रही है, बिल्कुल यूपी स्पेशल करंट अफेयर भी बिल्कुल लेके आएंगे। एक बार यूपी का कोई एग्जाम आएगा ना, तो यूपी स्पेशल करंट अफेयर भी लेके आएंगे, डोंट वरी। आगे चलते हैं फटाफट से, तो नेक्स्ट की तरफ अगर मैं बात करूं, तो देखिएगा जम्मू और कश्मीर की बात हो रही है। यहां पर जम्मू और कश्मीर क्या कर रहा है, देखो गाइज, अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं, यहां पर जो जम्मू कश्मीर में आपका क्या हुआ था कि नेट की सेवा बंद हो गई थी, तो पोस्टपेड मोबाइल सर्विस आफ्टर 70 डेज, अगर बैन के 70 दिन बाद पोस्टपेड जो आपकी सेवा है उसको शुरू किया गया है, तो आपको यह बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी कब से बन रही है। तो देखिएगा गाइज, यहां पर जो आंसर आप लोगों का बनेगा, जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी आपकी बनेगी, वो बनेगी आपकी 31 अक्टूबर से, ध्यान रखेंगे, क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे आता है और उस दिन हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस चीज को भी क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज अगर मैं आपको बता दूं, तो गाइज एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, नेशनल विजिलेंस वीक या राष्ट्रीय सतर्कता सप्ताह, तो जिस वीक में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे आता है, वो वीक हमेशा नेशनल विजिलेंस वीक के तौर पे मनाया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर के अभी राज्यपाल कौन है, तो गाइस जम्मू एंड कश्मीर के जो राज्यपाल है वो हमारे कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे फटाफट। बिल्कुल हां जी, यादव कृष्णा जी, मैंने आपको कल भी बताया था, बिल्कुल है, बहुत काम आएगा आपका वहां पर भी, बिल्कुल। अगर मैं बताऊं आपको नेक्स्ट न्यूज पर, तो नेक्स्ट क्या है, तो जल्दी से एक बार लाइक कर देंगे, देखिएगा लाइक बड़े कम है, अगर चीजें समझ में आ रही है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, तो देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किसकी बात हो रही है, यहाँ पे पंगियो भुजिया की बात हो रही है, पंगियो भुजिया के बारे में बात हो रही है। विच इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड टू विच काइंड ऑफ एनिमल, तो गाइज ये जो आपका एनिमल है ये क्या है, एक तरीके से अगर मैं आपको बोलूं तो अभी हमने क्या कि एक जो आपकी फिश है, फिश की नई प्रजाति है ये, तो आपका अगर पूछा जाएगा ये पंगियो भुजिया जो है वो किस चीज से रिलेट करता है, तो गाइज ये फिश से रिलेट करता है और ये फिश की क्या है, एक नई टेक्नोलॉजी है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सत्य पाल मलिक जी जो है वो आपके J&K के गवर्नर हैं, और आज जैसा कि 15 अक्टूबर है, अब्दुल कलाम जी का बर्थडे भी, और वर्ल्ड स्टूडेंट आज के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, बिल्कुल आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट की तरफ, तो देखिएगा नेक्स्ट को मैं अगर देखूं तो एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का नाम क्या है, धर्मा गार्डियन, तो गाइस इसका ना सेकंड एडिशन होने जा रहा है। तो धर्मा गार्डियन इंडिया और किस कंट्री की एक्सरसाइज है, उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो ये कहां पे होने जा रहा है गाइस, मिजोरम में होना है, इसको ध्यान रखेंगे। 19 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ही होगा, डेट को याद रखना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि कहां पर हो रहा है, मिजोरम में, और इंपॉर्टेंट है कि आपका इसका एडिशन कौन सा है और एक्सरसाइज का नाम क्या है। तो गाइज यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो मंगोलिया, जापान, चाइना या फिर इंडोनेशिया, तो गाइज यहां पर जो आंसर आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा, जापान के साथ ये एक्सरसाइज है, इसको क्या रखेंगे हम लोग, ध्यान रखेंगे। कोई डाउट अगर यहां तक हो तो जल्दी से मुझे बता देंगे, और साथ साथ ये बताएंगे कि भारत की मंगोलिया के साथ कौन सी एक्सरसाइज है, ध्यान रखेंगे, चाइना के साथ हैंड इन हैंड है, और अगर मैं बात करूं इंडोनेशिया के साथ गाइस, तो इंडोनेशिया के साथ गरुण शक्ति एक्सरसाइज है भारत की, ये भी ध्यान रखेंगे, और जापान, यूएस और इंडिया की एक मालाबार एक्सरसाइज भी है। तो जल्दी से मंगोलिया भी 2 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था, तो फटाफट से बता देंगे मंगोलिया के साथ भारत की कौन सी एक्सरसाइज है फटाफट से, तो ये किसके साथ है गाइस, जापान के साथ है, और आर्मी के जो चीफ है हमारे
उनकी मैं बात करूं तो वो कौन है, बिपिन रावत साहब, ध्यान रखेंगे जनरल बिपिन रावत साहब जो है हमारे आर्मी के चीफ है, ये बात आपको पता लग गई होगी। तो जल्दी से एक बार शेयर करेंगे, फटाफट से लाइक करेंगे, एक बार आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना के तहत कितनी राशि दी जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना है ये किस स्टेट से है, किस स्टेट की है गाइज। तो गाइज अगर मैं बताऊं तो ये क्या है, मध्य प्रदेश की स्कीम है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का नाम लेते हैं आप लोगों को क्या आता है, लाल कमल, लाल कमल। ओके गाइज, लाल कमल, लाल कमल। अब ये जो लाल कमल है, लाल कमल है क्या, लालजी दास टंडन वहां के क्या है, आपके गवर्नर है, राज्यपाल है, और वहां के जो सीएम है वो कौन है, मिस्टर कमलनाथ है, ये बात आपको पता होगी, क्लियर होगी। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करने लगूं तो वहां पर कितनी, 51,000 रुपए दिए जाएंगे। एक्चुअल में ये क्या है, इस स्कीम के अंदर क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि जब भी कोई मतलब एक नई दुल्हन नई शादी होगी तो उस घर में, और वो क्या कहते हैं अगर मैं बात करूं तो वो बीपीएल कार्ड होल्डर होनी चाहिए सबसे पहली बात। तो क्या होगा कि जिस भी घर में शादी होगी उसको ना 51,000 रुपए की मदद की जाएगी ताकि वो अपने घर में क्या कि टॉयलेट वगैरह जो चीजें हैं उन सबको बनवा सके, तो उसके लिए 51,000 रुपए की मदद यहां पर दी जाएगी। तो राइट आंसर जो होगा गाइस वो आपका 51,000 होगा, और मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना जो आपकी है वो मध्य प्रदेश से है, ध्यान रखेंगे गाइस। मध्य प्रदेश से एक न्यूज मुझे याद आती है कि मध्य प्रदेश में जो भोपाल मेट्रो स्टार्ट होने जा रही है वो किसके नाम पर स्टार्ट होने जा रही है गाइस, राजा भोज के नाम पर, ध्यान रखेंगे। ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, इस चीज को थोड़ा सा गाइस ध्यान रखेंगे। कोई डाउट अगर हो तो यहां पर पूछ सकते हैं, डोंट वरी, बिल्कुल। पूजा कुमारी जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और बहुत अच्छे से सभी लोग आप आंसर कर रहे हैं गाइस, बिल्कुल। नमस्ते जी, ठाकुर जी को नमस्ते कर रहे हैं, अच्छा नरगी जी आपको भी नमस्ते। आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है देखिएगा, एफएटीएफ वीक आपका चल रहा है। एफएटीएफ का मतलब समझते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर गाइस कहां पर है, पेरिस में है, जिसने थोड़े दिन पहले पाकिस्तान को क्या कर दिया था, ब्लैकलिस्ट कर दिया था। दो तीन चीजें मुझे यहां पर आपको समझानी है, जो एफएटीएफ वीक चल रहा है अभी उसका वो कब से कब तक मनाया जा रहा है गाइस, 13 अक्टूबर से 18, 14 से 19, या फिर 12 से 17, या फिर 11 से 16। तो जल्दी एक कर देंगे फटाफट से आप, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, या फिर डी ऑप्शन। तो गाइस 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक क्या चल रहा है आपका, एफएटीएफ वीक चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको एक स्पेस वीक पढ़ाया था इसी तरह से, और इसी तरह से मैंने आपको अभी नेशनल विजिलेंस वीक के बारे में बताया, तो ये सारी चीजें, और एक अभी नेशनल पोस्टल वीक मैंने आपको कल बताया था 9 से 15 अक्टूबर तक। तो ये सारी चीजें हम क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अब आपसे ना कई बार एफएटीएफ का क्या पूछेंगे, हेडक्वार्टर पूछेंगे। अब हेडक्वार्टर बता दो पेरिस में, और एफएटीएफ का बेसिकली काम क्या होता है, तो ये काउंटर करता है किस चीज को, जो आपका टेरर फंडिंग होती है उसको काउंटर करता है। और दूसरी चीज अगर मैं आपके यहां पर बता दूं तो आपका जो टेरर फंडिंग के साथ साथ ये क्या करता है, मनी लॉन्ड्रिंग को भी क्या करता है, ये रोकता है। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के कॉम्बैक्ट में उनको दोनों को क्या करता है, काउंटर करता है। तो गाइस जल्दी से देखिएगा, लाइक बड़े कम है अभी, आप लोगों को पता नहीं आज क्या हो गया कि लाइक नहीं कर रहे, तो एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिएगा फटाफट से, जल्दी से लाइक 100 पहुंच जाने चाहिए अभी फटाफट से, अगर चीजें समझ में आ रही है तो, ठीक है। उसके बाद गला आज मेरा थोड़ा खराब है गाइस, तो इस वजह से थोड़ी मे बी आवाज में दिक्कत हो रही होगी, तो उसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना, मे बी थोड़ा सा मेरा गला खराब है आज। आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट की बात। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है गाइस की मैं बात करता हूं, नेशनल ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इंपेयर्ड सर्वे, मतलब जो आपका केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषद ने 13वें सम्मेलन में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अंधत्व और दृश्य हानि सर्वेक्षण जारी किया है। तो गाइस देखो दो तीन चीजें समझनी है, जो 13वां आपका क्या कहते हैं आपका 13 कॉन्फ्रेंस एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, तो इसमें जिसने सर्वे को लॉन्च किया है वो हमारे हर्षवर्धन साहब है, और मिनिस्ट्री कौन सी है उनकी, मिनिस्ट्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो मिनिस्टर है वो डॉक्टर हर्षवर्धन साहब है। उन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है, एक आपका क्या कहते हैं द नेशनल ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इंपेयर्ड सर्वे को क्या किया है, लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। दूसरी चीजें पूछी जा सकती है, नेशनल ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इंपेयर्ड सर्वे कहां पर हुआ है गाइस, तो ये आपका हुआ है नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है, ध्यान रखेंगे। किसने किया है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया, हर्षवर्धन ने। अगर वुमेन
विज्ञान एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बात करूं तो कौन है, स्मृति ईरानी है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जो थी, ठीक है। और ये कहां से, अमेठी से आपकी सांसद है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करता हूं तो रमेश पोखरियाल निशंक साहब है, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात करता हूं तो नरेंद्र सिंह तोमर है, जिन्होंने अभी सरस आजीविका जो मेला है उसका उद्घाटन किया था, जो कि कहां, इंडिया गेट के लॉन में चल रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं फटाफट से, कोई डाउट अगर यहां तक हो तो जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे गाइस, फटाफट से कोई डाउट अगर आपको हो तो एक बार बता देंगे जल्दी से, और जल्दी से सेशन को लाइक करके फटाफट 100 पार करेंगे और शेयर करेंगे फटाफट से। बिल्कुल राहुल चौधरी जी, अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मोनिका जी नई दिल्ली में, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ, फिर न्यूज पढ़ेंगे, आज 20 न्यूज है कम से कम, तो थोड़ा सा इसलिए फास्ट पढ़ाना पड़ रहा है आप लोगों को। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कंडक्ट द स्किल इंडिया रोजगार मेला एट विच प्लेस, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC की बात हो रही है, ने कौशल भारत रोजगार मेला किस स्थान पर गाइज आयोजित किया है, इंदौर में, बीकानेर में, भोपाल में या फिर जयपुर में, तो जल्दी से मुझे एक बार बता देंगे कि सर इसका आंसर आएगा बीकानेर में, बीकानेर में, बीकानेर में। तो जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उन्होंने जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, जिसके जो महेंद्र नाथ पांडे जी क्या है, इसके मिनिस्टर है, ध्यान रखेंगे। महेंद्र नाथ पांडे जी के पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, उन्होंने एक स्किल रोजगार मेला कंडक्ट कराया, कहां पर गाइस, बीकानेर में, ये बात हम क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ओके गाइस, आगे चलते हैं फटाफट से। बिल्कुल हाँ जी, मालती देवी जी, जो स्मृति ईरानी है वो अमेठी से सांसद हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट न्यूज जो है हमारी वो क्या है, हाउ मेनी एग्रीमेंट वर साइंड बिटवीन इंडिया एंड सीरिया, जो आपकी सीरिया लियोनी है, जहां पर आपके कौन गए हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट गए हुए हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जो कॉस्मोस वो गए थे और जो आपके कॉमरोस वो गए थे और सीरिया लियोनी जो वो गए थे, तो मैंने दोनों की कैपिटल आप लोगों को बताई थी, तो जल्दी से एक बार मुझे बता देंगे कि कैपिटल क्या है इसकी और कितने एग्रीमेंट साइन हुए दोनों के बीच में, 6 एग्रीमेंट साइन हुए हैं, इस बात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। दोनों के बीच कितने एग्रीमेंट साइन हुए, 6 एग्रीमेंट साइन हुए, ध्यान रखेंगे। तो गाइस ये हमारे आज के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, अब हम जल्दी से क्या पढ़ेंगे, न्यूज की तरफ पढ़ेंगे। देखिएगा एक ही आपको सेशन में सारी चीजें मिल जाती हैं, इसके बाहर कोई करंट अफेयर नहीं होगा, जितना आपको पढ़ा दिया जाता है ना, इसके बाहर कोई करंट अफेयर नहीं होगा। कुछ एमसीक्यू की फॉर्मेट में पढ़ा देता हूं, कुछ आपको मैं न्यूज की फॉर्मेट में पढ़ा देता हूं, साथ में स्टैटिक जीके भी मैं आपको पढ़ा देता हूं। तो गाइज यहां पर चलते हैं एक बार फटाफट से आगे, तो देखिएगा बात कर लेते हैं आज की पहली न्यूज की, और पहली न्यूज जो आ रही है वो बीसीसीआई से है, और बीसीसीआई से जो न्यूज है गाइज वो न्यूज है दादा की, और दादा मतलब सौरभ गांगुली। तो सौरभ गांगुली सेट टू बी न्यू बीसीसीआई प्रेसिडेंट, सौरभ गांगुली नए बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं। मतलब जो बीसीसीआई है गाइस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बीसीसीआई का काम क्या होता है, बीसीसीआई क्रिकेट को कंट्रोल करता है भारत में, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इज द फुल फॉर्म, और इसका जो हेडक्वार्टर है गाइज वो मुंबई में है, और मुंबई में कहां, जो बानखड़े स्टेडियम है आपका, वो इसका क्या है, हेडक्वार्टर के तौर पर जाना जाता है। दूसरी चीज मैं बता दूं तो आपको, देखो दो तीन चीज और, बीसीसीआई का जो स्पॉन्सर से पार्टनर है भारत में वो कौन है, पेटीएम है, ध्यान रखेंगे। बीसीसीआई का स्पॉन्सर से पार्टनर जो है वो कौन है आपका, अगर मैं बात करूं तो पेटीएम है, और बीसीसीआई के अध्यक्ष अभी तक कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, सीके खन्ना साहब थे, ध्यान रखेंगे। और बीसीसीआई के जो सीईओ है आपके वो है राहुल जोहरी साहब, इस बात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो चीजें समझ में आ रही है तो जल्दी से एक बार कर दीजिएगा लाइक, कर दीजिएगा शेयर, कर दीजिएगा फटाफट से, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है। अभी ये जो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन है, ठीक है, उसके ये क्या थे, प्रेसिडेंट थे, ध्यान रखेंगे। अब ये बन गए हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष नए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, तो देखिएगा ये जो नेक्स्ट न्यूज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को भी रिप्लाई करना है, कुछ चीज जो पूछूंगा मैं आप लोगों से। इसमें क्या है आपका कि लोटस एचआर, जो लोटस एचआर है वो क्या है, तो देखिएगा ये सेकंड फेज है किसका, लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज स्ट्रीम्स का। मतलब जो अगर मैं बात करूं, जो आपका क्या कहते हैं सीवेज धाराएं है ना, जो मतलब एक तरीके से गंदा पानी बहता है नाले वगैरह में आपका, दिल्ली वगैरह में, तो उसके लिए क्या है कि सेकंड फेज ऑफ लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज स्ट्रीम
फॉर हेल्दी रियूज, मतलब क्या करेंगे कि उस पानी को रियूज करने के लिए क्या किया है। आपका भी दूसरा जो उसका चरण था लोटस एचआर का, उसको इनोग्रेट किया है या लॉन्च किया है कि कहां पर क्या है, बारापूला ड्रेन में, बारापूला नाले में, ठीक है, नई दिल्ली, बाय यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन और विजिटिंग डच रॉयल कपल। तो मैंने कल आपको बताया था कि जो डच के आपके नीदरलैंड के जो किंग है और नीदरलैंड की जो क्वीन है वो 5 दिन के लिए भारत पर आए हैं। तो किंग और क्वीन का नाम क्या है, मैं डेली 2 दिन से आपको बता रहा हूं, जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो ये आपका लोटस एचआर। तो गाइस अगर मैं आपसे पूछूंगा तो क्वेश्चन ये बनेगा सिर्फ कि लोटस एचआर किस चीज से संबंधित है, तो लोटस एचआर ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित है। और कहां पर लॉन्च हुआ, ये दिल्ली में लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, तो आप इस चीज को बता दोगे कि यूनियन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर जो है हमारे हर्षवर्धन, और जो आपके डच कपल नीदरलैंड का जो रॉयल कपल है उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो जल्दी से एक बार नाम बता देंगे फटाफट से, किसका नाम बताएंगे, जो आपका क्या कहते हैं कपल है, रानी है और राजा है, दोनों का बता देंगे फटाफट से। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, तो देखिएगा नेक्स्ट में क्या है। अगर मैं आपकी बात करूं तो देखिएगा एक आपका संगम यूथ फेस्टिवल की हम बात कर लेते हैं, बहुत अच्छी न्यूज है संगम यूथ फेस्टिवल। तो संगम यूथ फेस्टिवल में क्या है कि लगभग मोर देन 1500 स्टूडेंट कहां से, 32 अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी से इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपसे कोई पूछने लगे कहां पर, तो जम्मू एंड कश्मीर के कहां पर, भद्रवाह में हुआ है ये। तो गाइस 2-3 चीजें मैं फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं कि क्या है इसके अंदर। 1500 स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कहां पर, 32 डिफरेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेज से, और आपका मेन क्या है, संगम यूथ फेस्टिवल। तो संगम यूथ फेस्टिवल गाइज आपका कहां पर हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। सो गाइज कोई डाउट अगर किसी को हो तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल। मैक्सिमा बिलियन एलेक्सेंडर, बहुत अच्छे, दीपू दीपा जी, रॉक सभा लतीफ जी, यादव कृष्णा जी, मोनिका जी, अवधेश जी, बहुत अच्छे से आप सभी लोग आंसर कर रहे हैं। तो गाइस चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो लाइक कर दें एक बार जल्दी से, और जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा फटाफट से एक बार जल्दी से। राहुल चौधरी जी बिल्कुल। तो गाइस चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को, एक बार जल्दी से बता देंगे फटाफट से। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो देखिएगा नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इकोनॉमिक्स में, जिसका मैंने कल आपको बताया था कि 14 में मिल जाएगा, किसमें, इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक्स में किसको मिला है, एक भारत वाले हैं उनको मिला है, उनकी वाइफ को मिला है, और एक तीसरे बंदे को मिला है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो अभिजीत बनर्जी को मिला है, और एस्टर डफलो को मिला है, और मिशेल क्रेमर को मिला है। ये बात हम क्या रखेंगे, याद रखेंगे। बाकी जैसा कि मेरा आप लोगों से वादा है कि इसको मैं क्या कराऊंगा, इसको मैं अब आपको ट्रिकी वे में याद करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी अभिजीत को मिला है, एस्टर डफलो को मिला है, और मिशेल क्रेमर को मिला है। अब हमारे नोबेल प्राइज जो हो चुके हैं वो पूरे हो चुके हैं, अब नंबर क्या है, अब नंबर हमारे याद करने का है, ध्यान रखिएगा। वो सारे मैं आपको याद करा दूंगा, डोंट वरी, उसकी चिंता आप लोगों ने नहीं लेनी है। आगे बात करते हैं, तो देखिएगा जो ब्रिक्स कल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है गाइस, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ब्रिक्स क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करने लगूं ब्रिक्स की, तो एक ब्रिक्स बैंक भी है, जिसको हम कैसे जानते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के तौर पर। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो गाइस हेडक्वार्टर है वो क्या है, संघई में है, इस बात को क्या रखेंगे आप लोग, याद रखेंगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन कौन है, तो गाइस केबी कामत साहब हैं, इस बात को भी आप याद रखेंगे, जो प्रेसिडेंट है आपके, किसके, केबी कामत साहब है, 6 साल के लिए। आगे मैं बात करूं तो देखिएगा आपका जो ब्राजील का क्यूरिटिबा है, वहां पर क्या हुई है, ये मीटिंग हुई है। और भारत की तरफ से मीटिंग किसने अटेंड की है, प्रहलाद सिंह पटेल साहब ने की है। और ये क्या है हमारे, ये यूनियन ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कौन से मिनिस्टर है हमारे, पर्यटन राज्य मंत्री जो है हमारे, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री जो है प्रहलाद सिंह पटेल है। इन्होंने ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक कुर्टिबा ब्राजील में क्या की है, अटेंड की है। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा पूछा जाएगा, ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग कहां पर हुई है, तो आपको कई बार ब्राजील दे देगा, कई बार कुरिटिबा दे देगा, इस चीज को क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो एक बार जल्दी से क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे फटाफट से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो अगला क्वेश्चन नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड है। नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बिकम द मोस्ट फॉलोड इलेक्टेड वर्ल्ड लीडर ऑन फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम। सिंपल सी बात, आसान भाषा में, इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किसको किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी को, ध्यान रखेंगे। नरेंद्र
मोदी जी को इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलो किया जा रहा है, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, इन सबसे भी ज्यादा। ठीक है, सेकंड नंबर पर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, फिर जोको विडाडो आ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले कौन आते हैं? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और देखिएगा ये देख भी रहे हैं इसी तरह से कि मैं हूं इंस्टा पर सबसे ज्यादा एक्टिव। ओके, बिल्कुल आपकी कनेक्टिविटी नहीं चली गई ठाकुर जी, कैसे? बिल्कुल आप तो बिल्कुल कनेक्ट हैं, डोंट वरी। ठीक है, बिल्कुल ब्रिक्स की फुल फॉर्म में बता देता हूं फिर से। ब्रिक्स में क्या है, 5 कंट्री आती हैं आपकी। ब्रिक्स में ब्राजील आ गया, आर फॉर रशिया हो गया, आई फॉर इंडिया हो गया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। गाइज, इन सभी कंट्री की कैपिटल आप लोग मुझे बताएंगे अभी कमेंट में कमेंट करके। सो सीधे समझ में आ रही है तो जल्दी से एक बार बता देंगे फटाफट से। बिल्कुल आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे कब मनाया जाता है गाइज? आपका 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, जैसा कि आपके सामने भी लिखा है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे आपका कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को, अर्थात विश्व मानक दिवस कब? 14 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल उसके बाद अगर मैं बात करूं तो थीम क्या थी, वीडियो स्टैंडर्ड क्रिएट ए ग्लोबल स्टेज, वीडियो मानक एक वैश्विक मंच बनाते हैं। गाइज आपको जो थीम बेसिकली आएगी वो इंग्लिश में ही आएगी, एग्जाम में भी ध्यान रखेंगे। तो वीडियो स्टैंडर्ड क्रिएट ए ग्लोबल स्टेज, ठीक है। तो हमारा अगर मैं बात करूं तो यहां पर वीडियो स्टैंडर्ड क्रिएट ए ग्लोबल स्टेज, इसको बार बार रिपीट करेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मीनाक्षी गौतम जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो गाइज आप लोग शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, एक बार देखिएगा लाइक बड़े कम है। फटाफट से, आज मेरा थोड़ा गला खराब है, मैं तेज से नहीं बोल पा रहा, तो आप लाइक भी नहीं कर रहे आज, क्या ऐसी बात हो गई? एक बार जल्दी से लाइक कर देंगे फटाफट से। आगे चलते हैं फटाफट नेक्स्ट में। तो देखिएगा आपको ना कंफ्यूजन ना हो मैं बता दूं, के सतीश रेड्डी और एक है जी सतीश रेड्डी। ओके, ध्यान रखेंगे, एक है आपके के सतीश रेड्डी और एक है आपके जी सतीश रेड्डी। के सतीश रेड्डी को चेयरमैन अगर मैं बताऊं तो डॉक्टर रेड्डी हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस। जो इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस है 2019 से 2021 तक के लिए, उसका नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है और ये डॉक्टर रेड्डी लैब के क्या है, चेयरमैन भी है, ध्यान रखेंगे। और जी सतीश रेड्डी जो है गाइज वो डीआरडीओ के हैं, डायरेक्टर जनरल। तो दोनों के नाम में कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने आपको यहां पे बता दिया। ये कौन है? के सतीश रेड्डी है। के सतीश रेड्डी या डॉक्टर रेड्डी के अध्यक्ष रूप में सतीश रेड्डी को क्या बनाया गया? भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? बिल्कुल, थैंक यू मालती देवी जी। तो यहां पर ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो बता दीजिएगा। गाइज मैं आपको बता दूं, आज शाम को 7 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास भी है, आज शाम को 7 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास भी है, ध्यान रखिएगा उस चीज का। बिल्कुल आगे अगर मैं बात करूं आपको नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट एक बार बता दीजिएगा। आगे ये चीजें आपको समझ में आ गई है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मास्टर कार्ड के किसको बनाया गया? विकास वर्मा को। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा याद रखेंगे कि जो मास्टर कार्ड है आपकी पेमेंट टेक्नोलॉजी फर्म है, उसके विकास वर्मा जी को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, तो कोई डाउट अगर किसी को हो तो जल्दी से एक बार बता देंगे फटाफट से, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत का जो है गाइज वो रुपए कार्ड है, इस बात को याद रखिएगा। और नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में जो रुपए कार्ड लॉन्च किया था गाइज, अगर मैं बात करूं तो एक तो आपका सिंगापुर में कर दिया था लास्ट ईयर ही, उसके बाद इस साल के शुरू में किया था भूटान में, और थोड़े दिन पहले किया था यूएई में। तो गाइज अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली गल्फ कंट्री कौन सी है जहां पर रुपए कार्ड को नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, तो वो आ जाएगा आपका यूएई, इस बात को क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। कोई डाउट किसी को हो तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आज पंकज भंडारी जी रीजनिंग में होगा, वेन डायग्राम होगा, पहले वेन डायग्राम का बेसिक हुआ था, आज वेन डायग्राम पार्ट 2 होगा रीजनिंग के अंदर। बिल्कुल आगे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिएगा इंडिया नून मरिमम थेरेसाई, ठीक है, फ्रॉम केरला एंड 4 अदर्स नून वर डिक्लेयर्ड सेंट्स बाय पोप फ्रांसिस। तो देखो ध्यान से समझिएगा, जो आपकी वेटिकन सिटी है उसमें जो पोप फ्रांसिस हैं, पोप फ्रांसिस के द्वारा, एक नॉर्मल सी बात मैं आपको बताऊं, देखो वेटिकन सिटी के भव्य समारोह में केरल की भारतीय नन मरियम जो थ्रेसिया हैं और 4 अन्य लोगों को पोप द्वारा, पोप फ्रांसिस द्वारा संत की उपाधि दी गई। गाइज क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पोप के द्वारा संत की उपाधि किसको दी गई है? तो पोप के द्वारा संत की उपाधि मरियम थ्रेसा को दी गई है, इस बात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ओके गाइज, तो इस बात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। पोप के द्वारा संत की उपाधि किसको दी गई है? मरियम थ्रेसा को दी गई है। तो गाइज देखिएगा, संत की उपाधि इसको मिलती है जिसने अपनी लाइफ में ना कुछ चमत्कार टाइप किए रखे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर बस इतना ही हम समझेंगे कि
पोप फ्रांसिस द्वारा किसको संत की उपाधि दी गई, तो मरियम थेरेसा को दी गई। कोई डाउट अगर आपको हो तो जल्दी से मुझे बता सकते हैं, यहाँ पर एक बार लाइक और शेयर कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैंने दीपू जी आपका पॉइंट नहीं पढ़ा होगा, लास्ट वाला बताइएगा क्या रिपीट करना है एक बार फटाफट से, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, अभी ना इंदिरा गांधी अवार्ड मिला है फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, राष्ट्रीय एकता के लिए 31वें इंदिरा गांधी पुरस्कार को चिपको आंदोलन के अग्रणी कौन, चंडी प्रसाद भट्ट। और जो ये चंडी प्रसाद भट्ट है ना, इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है, इनको पद्म अवार्ड भी मिल चुका है, इस बात को भी याद रखेंगे। देखिएगा जैसे पेड़ से चिपक रहे ना, तो आज भी वही टाइम आ गया कि पेड़ों को बचाने, जैसे चिपको आंदोलन था, क्या था चिपको आंदोलन में, कि पेड़ों को नहीं कटने देना था, पेड़ों से चिपक जाते थे। तो चिपको आंदोलन की अगर मैं बात करूं, चिपको आंदोलन के अग्रणी कौन, चंडी प्रसाद भट्ट को 31वां इंदिरा गांधी अवार्ड मिला है फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या मिला है, 31वां उनको अवार्ड मिला है। गाइज इस बात को क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, जो आपकी क्या कहते हैं, अगर मैं बात करूं आपकी नॉर्मली, कोई डाउट अगर किसी को हो तो पूछ सकते हैं बिल्कुल से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उस न्यूज को बताता हूँ। देखिएगा, एक अगर मैं आपको बताऊ, केरल की है ये मरियम थ्रेसा, ठीक है, केरल की जो मरियम थ्रेसा थी, इनको चुना गया किसके लिए, इनको ना पॉप ने संत की उपाधि दे दी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की, तो आगे चलते हैं फटाफट से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज ए कोमेमोरेटिव स्टैंप इन ऑर्डर टू मार्शल द इंडियन एयरफोर्स लेट अर्जन सिंह। गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है कि अर्जन सिंह थे, दिवंगत अर्जन सिंह के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट क्या जारी किया है, किसने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और वो दिखा भी रहे हैं डाक टिकट को, इस बात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। बस सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके लिए अभी क्या कहते हैं, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहते हैं डाक टिकट जारी किया, तो अर्जन सिंह के लिए जारी किया है। दूसरी चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, तो अभी हमारे जो एयरफोर्स के नए चीफ बने हैं वो कौन बने हैं, राकेश कुमार भदौरिया साहब बने है, ये बात याद रखेंगे। दूसरी चीज, जो वाइस चीफ बने हैं गाइस, वो हरजीत सिंह अरोड़ा बने हैं, ये बात याद रखेंगे। और अभी हमारा 87th जो हमारा एयरफोर्स डे मनाया गया, उसमें ये डिक्लेरेशन की थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कोई डाउट अगर हो तो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। बिल्कुल ठाकुर जी, बता दीजिएगा आपका क्या क्वेश्चन है। देखिएगा गाइज, वो कमेंट की तरफ मैं देख रहा हूँ, डोंट वरी, लेकिन क्या होगा कि टाइम कम ना रह जाए, आपसे कोई न्यूज ना छूट जाए, इसके लिए क्या है कि ज्यादा ध्यान इधर की तरफ है, बाकी कमेंट में आपके देख रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। बिल्कुल ओके, तो यहाँ पर अगर कोई डाउट किसी को हो तो पूछ सकते हैं, डोंट वरी। अगर यहाँ पर आपका कोई डाउट क्लियर ना हो तो वीडियो खत्म होने के बाद उसमें नीचे कमेंट कर देना, मैं वहां पे आपका आंसर कर दूंगा, लेकिन आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बस, ठीक है। आगे चलते फटाफट से, तो देखिएगा बिल गेट्स की अगर गाइज में बात करूं, तो जो बिल गेट्स है उनकी ना न्यू बुक आई है, न्यू बुक उन्होंने लॉन्च, हालांकि लॉन्च वो 2020 में होगी, क्या है, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, ठीक है, मतलब हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर बिल गेट्स की नई किताब है। क्वेश्चन पूछा जाए How to avoid a climate disaster, किसकी बुक है guys? तो ये Bill Gates की बुक है, इस बात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। और इसका विमोचन कब होगा, जून 2020 में होगा, सिंपल सी बात है। ये आपके जो अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट के co-founder में आते हैं कौन, हमारे Bill Gates जी। और Bill and Melinda Gates Foundation ने नरेंद्र मोदी जी को भी एक अवार्ड भी दिया था, और पायल जांगीड को भी दिया था, जो राजस्थान से बिलोंग करती है, जिन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट क्या किया था, एक्शन लिया था कि चाइल्ड मैरिज के खिलाफ उन्होंने कैंपेन किए थे लगातार, तो उनको चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से। और नरेंद्र मोदी जी को मिला था ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड स्वच्छ भारत अभियान के लिए। आगे गाइस कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव की अगर हम बात करें, तो देखो सिंपल सी बात है, 10th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव नेशनल कल्चर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड किसने किया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, थोड़ी देर पहले यूनियन कल्चर मिनिस्टर बताए थे, कमेंट कर देंगे। कब से, 14 से 21 अक्टूबर तक, अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन इन मध्य प्रदेश। तो गाइस सिंपल सी बात है आप लोगों की, क्वेश्चन पूछा जाएगा 10वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में, और किसके अंडर, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर भारतीय संस्कृति मंत्री कौन है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। तो गाइस जल्दी से शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे फटाफट से एक बार, और इसको क्या कर देंगे, देखिएगा लाइक बड़े कम है, एक बार जल्दी से पढ़ लेंगे फटाफट से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, देखिएगा लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल हैज डिसाइडेड टू लॉन्च द इंडियन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज
फर्स्ट ज्वाइंट मास मीडिया कैंपेन विद स्लोगन सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। सिंपल सी चीज है, जो जीवन बीमा परिषद ने भारतीय जीवन बीमा उद्योग का सबसे पहला संयुक्त मास मीडिया अभियान जो चलाया है वो क्या है, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। क्वेश्चन कैसे बनेगा ये बता देता हूं आसान भाषा में। आपको पूछा जाएगा सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस, अगर मैं बात करूं सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस जो मीडिया कैंपेन है उसकी शुरुआत किसने की, तो लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ने की है। ध्यान रखेंगे किसने की है, लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ने। यह बात क्लियर है आप लोगों को, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस जो मीडिया कैंपेन है अभियान है उसकी शुरुआत किसने की, आपकी लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल जीवन बीमा परिषद ने की है। ध्यान रखेंगे, तो चीजें समझ में आ रही है गाइज आप लोगों को। बात करते हैं किसकी, वज्र प्रहार की। वज्र प्रहार किसके बीच में, यूएस और इंडिया का क्या है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री भी नहीं कह सकते इसको, ये क्या है कि स्पेशल एक्सरसाइज है। इसमें जो दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस हैं वो पार्टिसिपेट करती है गाइस। और ये क्या होता है, एक बार यूएस में होता है और एक बार कहां होता है आपका, एक बार भारत में होता है, एक बार यूएस में एक बार भारत में। तो इस बार देखिएगा कहां पर हो रहा है, ये लुइस मैक्लॉड में हो रहा है, आपका यूएस में हो रहा है। पिछली बार ये भारत में जयपुर में हुआ था, ध्यान रखेंगे। भारत और अमेरिका के बीच है संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 10वां संस्करण है, जो सिएटल के संयुक्त बेस लुइस मैकार्ड में आपका होने जा रहा है, शुरू हो रहा है। ध्यान रखेंगे, लास्ट ईयर भारत में होता, अगले साल फिर भारत में होगा, तो ध्यान रखेंगे। बात किसकी कर रहे हैं, वज्र प्रहार, और वज्र प्रहार किसका है आपका, ध्यान रखिएगा, यूएस का और भारत का। ओके गाइस, बिल्कुल, तो चीजें समझ में आ रही है तो बता दीजिएगा, कोई बात नहीं तान्या सिंह जी। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, फर्स्ट फीमेल हेड नोबल लिटरेचर, देखो ध्यान से समझना, अवार्ड बॉडी सारा डानियस पास्ड अवे, नोबल के साहित्य पुरस्कार निकाय की पहली महिला प्रमुख सारा डेनियस का निधन हो गया। मतलब जो नोबल दिए जाते हैं लिटरेचर में, उसका जो निकाय था, उसकी जो बॉडी थी जो सेलेक्ट करती थी, उसकी जो पहली महिला प्रमुख थी कौन, डेनियस, सारा डेनियस का निधन हो गया। तो गाइज आपको पूछा जाएगा सारा डेनियस का निधन हो गया, कौन थी वो, आप आराम से बता दोगे कि नोबल लिटरेचर अवार्ड बॉडी की क्या थी, आपकी हेड थी, फर्स्ट फीमेल हेड थी। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ नोबल लिटरेचर अवार्ड बॉडी, मतलब नोबल के साहित्य पुरस्कार निकाय की पहली महिला प्रमुख का नाम बताइएगा जिनका हाल ही में निधन हो गया, सारा डेनियस, सारा डेनियस। कोई डाउट अगर यहां तक हो तो जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे, बिल्कुल। और इनकी कंट्री मुझे जल्दी से बता देंगे कि इनकी कंट्री कौन सी थी, फटाफट से, क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए। और देखो उदय राज मीना ने भी ये पूछा है, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या है, ओके आगे हम चलते हैं फटाफट। देखिएगा ये लक्ष्य की बात हो रही है, लक्ष्य, एक लक्ष्य ये है और एक लक्ष्य हमारा है जिसको हमने हर हाल में पाना है, ठीक है। इंडियन सटलर, क्वेश्चन सिर्फ इतना बनेगा कि जो लक्ष्य है आपके वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और किस गेम से बिलोंग करते हैं। लक्ष्य ने क्या जीता है, VWF वर्ल्ड 2 टाइटल जीता है आपका, ध्यान रखिएगा। तो इंडियन शटलर ये बैडमिंटन से करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, लक्ष्य सेन। और इनका जो स्टेट है गाइस वो है आपका उत्तराखंड, 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 उत्तराखंड से ये बिलोंग करते हैं, लक्ष्य सेन। ओके, ध्यान रखेंगे सारी चीजों को, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट में, इनका निधन कल परसों में हुआ है, ठीक है नीरम जी। आगे आगे बात करते हैं सिमोना बाइल्स की, तो सिमोना बाइल्स ने क्या तोड़ दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्या, वर्ल्ड जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। वर्ल्ड जिम्नास्टिक चैंपियनशिप आपकी कहां, स्टुगार्ट आपका जर्मनी में, तो जो स्टुगार्ट आपका जर्मनी में विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप गाइज आपकी चल रही थी, उसमें सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, सिमोन वाइल्स ने। क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जाएगा सिमोन वाइल्स किस गेम से रिलेट करती है, तो गाइस सिमोन वाइल्स जिम्नास्टिक से रिलेट करती है। वर्ल्ड जिम्नास्टिक चैंपियनशिप कहां पर हो रही है, जर्मनी में हो रही है, इस बात को ध्यान रखना था, ठीक है। तो जर्मनी स्टुगार्ट में हम याद रखेंगे, बाकी सिमोन वाइल्स किस गेम से रिलेट करती है वो आपका बता दिया जाएगा, किस गेम से रिलेट करती है, जिम्नास्टिक से। कंट्री फटाफट से मुझे बता दीजिएगा, जो लोग अभी नहीं बता पा रहे कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट आप नहीं कर रहे हो, मतलब कमेंट ना तो अभी कर रहे हो ना बाद में करते हो, बाद में दो चार लोगों के कमेंट आ रहे होते, तो गाइस ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे हम वीडियो के बाद में, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सबका आप क्या करोगे, कमेंट करोगे और लाइक कर दीजिएगा सेशन को एक बार। फटाफट से बात कर लेते हैं आज की 20वीं न्यूज की।
प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद विल एम्बार्क ऑन ए वीक लॉन्ग विजिट टू द फिलीपींस एंड जापान। तो 17 तारीख को सिंपल भाषा में पढ़ेंगे, 17 तारीख को हमारे प्रेसिडेंट फिलीपींस और जापान के लिए क्या करेंगे, यात्रा करेंगे। फिलीपींस जाएंगे देन जापान जाएंगे, ओके गाइज। और जब जाएंगे जो समझौते साइन होंगे उनके बारे में हम तभी पढ़ेंगे। तो कहां जा रहे हैं, फिलीपींस और जापान। अभी इसमें याद रखने वाला कुछ नहीं, ये तो पहले ही मैंने आपको बता दिया, ताकि जब भी आपको पढ़ोगे बाद में तो आपको पता रहेगा। अच्छा देखो, एक न्यूज को 3-4 बार अगर हम पढ़ लेंगे तो खुद ब खुद न्यूज हमारी क्या होने लगेंगी, याद होने लगेंगी गाइज। तो कोई डाउट अगर यहां पर हो तो जल्दी से बता देंगे। मैं जितना भी डे का है वो सारा कवर करता हूं, आप कहीं से भी पढ़ लेना, आपको इतना नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं आपको। 20 न्यूज और 10 एमसीक्यू में न्यूज मैंने आपको पढ़ाई है, इतनी न्यूज नहीं, सारा आपको एक जगह पर मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो क्या एप्रिसिएशन नहीं बनता, क्या शेयर नहीं बनता, क्या लाइक नहीं बनता इस चीज के लिए, एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। फटाफट से बात कर लेते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्टर है हमारे नितिन गडकरी साहब, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है वन नेशन वन टैग फास्ट टैग इन नई दिल्ली। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, फास्ट टैग क्या, आधार फॉर व्हीकल, मतलब उसको एक ही टैग से जोड़ देंगे सभी व्हीकल को। ये हमारे क्या है, सड़क परिवहन मंत्री है और एमएसएमई मंत्री भी है, मतलब एक तरीके से अगर बात की जाए वन नेशन वन टैग, जितने भी व्हीकल्स हैं उनको एक ही टैग से जोड़ दिया जाएगा। नॉर्मली मैं बात करूं तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में वन नेशन वन टैग फास्ट टैग का एक सम्मेलन में उद्घाटन किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने उद्घाटन किया, तो नितिन गडकरी साहब ने किया और ये नाग से आपके क्या हैं, सांसद हैं। कोई डाउट अगर हो तो जल्दी से मुझे बता देंगे फटाफट से। आगे नेक्स्ट में चलते हैं फटाफट से। तो देखिएगा, ये एक बड़े इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में डाला है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ये बनेगा, सुल्तान ऑफ जोहर कप किस गेम से है। तो कुछ स्टूडेंट फुटबॉल वगैरह लगा देते हैं, गाइस ये हॉकी से है। सुल्तान ऑफ जोहर कप जो है आपका हॉकी से है। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये भी चल रहा है मलेशिया में, ध्यान रखेंगे, 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जूनियर मैन का चल रहा है। सुल्तान ऑफ जोहर कप जो है गाइस वो किससे, हॉकी से, इस बात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट में। तो देखिएगा, बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो वहां पे आपकी फ्लड आई थी, जो बाढ़ आई थी, हर किसी को क्या दे रही है, 6,000 रुपए दे रही है। हर किसी को क्या दे रही है, 6,000 रुपए दे रही है। तो 6,000 रुपए पर फैमिली दी जा रही है वहां पे, कहां पे, बिहार में, ध्यान रखेंगे। नीतीश कुमार सीएम है, फागू चौहान जो है वहां के गवर्नर है, राज्यपाल है, ओके। तो गाइज यहां तक ये आपके सारे इंपोर्टेंट पॉइंट थे, अगर कोई आपका डाउट रह गया हो तो मुझे इसमें क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। अब आज आप लोगों के लिए गाइज क्या है कि जो आज का महासंग्राम है, एक्चुअल में इसके बाद मेरी तुरंत क्लास होती है और थोड़ा सा टाइम भी हो गया है, तो आपका जो महासंग्राम है उसके ना 5 क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं फटाफट से। तो एक बार देख लेते हैं महासंग्राम के 5 क्वेश्चन को फटाफट से। तो देखिएगा, महासंग्राम के 5 क्वेश्चन एक बार हमारे सामने आ चुके हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। इंडियन बॉक्सर मंजू रानी वोन ए सिल्वर मेडल इन द विच किलोग्राम वेट कैटेगरी ऑफ वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। गाइज ध्यान रखेंगे, जो मंजू कुमारी हैं उन्होंने कितने किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है, तो जल्दी से एक बार आंसर कर देंगे फटाफट से, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जिन लोगों का कुछ ना कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, उनको 6,000 रुपए दे रही है बिहार सरकार। तो एक बार महासंग्राम में 100 पार जाना चाहिए फटाफट से, बिल्कुल। मंजू रानी जिन्होंने भी हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है, आपकी जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है कहां पर, रसिया में। और मंजू रानी कहां से है, कल मैंने आपको बताया था, मंजू रानी हरियाणा से, 18 साल की है। तो किस किलोग्राम वर्ग में गाइज, 48 किलोग्राम वर्ग में, 51 में नहीं है, 51 में नहीं है, 48 में। राहुल कुमार ने आंसर भी किया था, बिल्कुल, जागृति सोनी जी का उससे पहले आंसर आया था, 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक। कोई डाउट किसी को हो तो पूछ सकते हैं, यहां पर आंसर आ जाएगा ए। उसके बाद मैं बात करूं तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी ऑब्जर्व्ड इन व्हिच डेट, मृत्यु दिवस के खिलाफ विश्व दिवस किस तारीख में मनाया गया गाइस, 7 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। तो गाइस 7 अक्टूबर को तो कोटन डे था जैसा कि आपको बताया गया था, और 10 अक्टूबर एक बार आप बता दीजिएगा, 11 अक्टूबर को क्या था गाइज, हमारा गर्ल्स चिल्ड्रन डे था। जो हमारा गर्ल्स चिल्ड्रन डे था हमारा कब था, वो बालिका दिवस कब था हमारा, इंटरनेशनल बालिका दिवस 11 अक्टूबर को था, और 15 अक्टूबर को आज स्टूडेंट डे है। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा आंसर बन जाएगा 10 अक्टूबर, जिस दिन हमारा देखो वर्ल्ड हेल्थ डे था, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था, तो उसी दिन हमारा क्या था, वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी था, इस बात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। कोई डाउट होगा तो जल्दी से मुझे बता देंगे, 2 का जो आ जाएगा 10 आ जाएगा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को फटाफट से। आगे बात करते हैं जोसेफ एंटोनियो की। तो देखिएगा, जो जोसेफ एंटोनियो फर्नांडेज़ पोडार थे, अपने आविष्कार में उन्होंने क्या, फेनाकिस्टो, जो आपका फेनाकिस्टोस्कोप था, के लिए जाना जाता
आता है। तो क्वेश्चन सिंपल पूछा जाएगा, जो फेना किस्तो स्कोप के लिए किसको जाना जाता है, जोसेफ एंटोनी को। और गूगल ने हाल ही में उनका 218वां जन्मदिन डूडल के साथ में मनाया, डूडल समर्पित करके। तो फेनो जो आपका फेना किस्टो स्कोप का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था गाइज, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता देता हूं, इसका आंसर है 1832। गाइज टाइमर आज इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम था, तो मैंने सोचा क्वेश्चन के आंसर ही डिस्कस कर लेता हूं एक बार। तो आपका क्या है आ गया ये 1832, ठीक है। अब गाइज आप सोच रहे होंगे फेना किस्टो स्कोप किस लिए था, तो फेना किस्टो स्कोप गाइज जो आपका मूविंग पिक्चर्स नहीं होती, जो मूविंग पिक्चर्स हम डाल देते हैं मूवी वगैरह में, तो उसके लिए आपका फेना किस्टो स्कोप था। ये इन्होंने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। कोई डाउट अगर यहां पर हो तो बता सकते हैं जल्दी से। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक 100 हो जाने चाहिए सेशन एंड होने से पहले पहले। ओके गाइज फटाफट नेक्स्ट की बात करते हैं। तो देखिएगा लक्ष्य सेन जिनके बारे में अभी मैंने बताया था, उन्होंने डच ओपन बैडमिंटन 2019 का खिताब जीत लिया, अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो गाइज ये बिलोंग करते हैं आपके उत्तराखंड से, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। और गाइज ये जो आपका क्वेश्चन है ये बताइएगा कि नॉर्मली अगर मैं आपको पूछूं उस तूफान का नाम बताइए जो हाल ही में जापान की राजधानी टोक्यो में आया है, तो ये आपके लिए बन जाता है होमवर्क। ओके ओके गाइज ये बन जाता है आपके लिए होमवर्क। कोई डाउट अगर किसी को रह जाए तो बता देना, और अगर कोई भी डाउट आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, डोंट वरी, अच्छे से पढ़ते रहेंगे। कंप्यूटर जी एक बार पूरी स्क्रीन पर मुझे ला दिया जाए। तो गाइज देखो दो तीन चीजें हैं मैं आपको बता दूं, आज न्यूज बहुत ज्यादा थी तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी मैं चलाऊं, और फास्ट भी क्या चलाऊं कि चीजें जो है देखो फ्लो में होती हैं, ठीक है, फास्ट ही करनी चाहिए, अब आराम से नहीं हो पाती चीजें, ठीक है। दूसरी चीज अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, आपको चीजें पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि सारी चीजें कवर हो रही है, तो आप इसको सेशन को लाइक करेंगे शेयर करेंगे। मैं कहता हूं कि आप पढ़िएगा देखिएगा और सब जगह का देखिएगा और उसके बाद आप डिफरेंस को देखिएगा और समझिएगा चीजें कि कहां पर आपको क्या कराई जा रही है। तो इसके पीछे आपका ये एक घंटे के सेशन के पीछे 5 से 6 घंटे की कम से कम मेहनत होती है, उसके बाद ये सेशन रेडी होता है, तो आपकी तरफ से लाइक और शेयर तो बनता है ना कम से कम, तो गाइस लाइक और शेयर करेंगे। दूसरी चीज जो हमारा अड्डा 24/7 पर एक हमारा फेस्ट चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है कि आप कुछ भी परचेज करेंगे तो उसमें आपको क्या कोई ना कोई इनाम मिलेगा, लेकिन उस इनाम के लिए आपको क्या है कि अगर आपको उस पर डिस्काउंट चाहिए तो गाइस एक कोड है आपका वाई की बात कर रहा हूं, Y177 आपका एक कोड है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कल न्यूज कम होंगी तो कल एक टॉपिक भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, और टॉपिक होंगे कल रैंक और इंडेक्सेस। तो रैंक और इंडेक्सेस 2019 के कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ध्यान रखिएगा, बाकी न्यूज तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। कोई डाउट किसी को होगा तो एक बार कमेंट करेंगे शेयर करेंगे, चीजें समझ में आई है तो एक बार उसको शेयर और लाइक जरूर करेंगे फटाफट से। तो गाइस चलते हैं, आज का सेशन यहीं पे बाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।